हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स कम्पिटेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन दबा लेना। देखिए, मैंने आपको अभी तक जितने भी मैंने वीडियो दे दिए हैं, 4 से 5 वीडियो दिए हैं, उनमें मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगी। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, या फिर एज इट इज़ आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगी। बस आप देख लो, 4 से 5 वीडियो में आपकी टाइम नहीं लगने वाली है, आप देख ले तो। और देखो, सबसे पहले रिस्पॉन्स देना होता है, देख के यदि आप शेयर करते हो तो अच्छा लगता है, लाइक अच्छे जाते हैं, व्यूज अच्छे जाते हैं, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, एक ताकि हम आगे के लिए भी आप सभी के लिए वीडियो बना सकूँ। अब ऐसा नहीं कि बनाने के बाद मतलब यू नो, चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फेमिनाइन करने के लिए एक नंबर का पूछा जाता है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में तो आपको बस आनी चाहिए। और वो भी मतलब एक अरेंजमेंट नहीं होता आपका, बस ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर में पढ़ लेते हो तो आपको याद नहीं होता ये सब चीज़। देखिए, इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा वो यंग्स फोन दूंगा, यानी कि उसकी बेबीज जो एनिमल होती है उनके बच्चे का नाम क्या होता है, वो भी एक क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, तो वो भी मैंने तैयार कर लिया है, वो भी वीडियो दे दूंगा। ठीक है, निशु जो आपके भतीजा का होता है, बस ये एक याद कर लेना, ये तो करतार का प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था। ठीक है, भतीजा का इसका मतलब ना, इसमें मतलब भतीजी होता है, तो ये मैं बस ये उनका निफ्यू का लिखा हूँ, तो ये नहीं फिर कमेंट करके बोलना कि ऐसा ऐसा। ठीक है, हस्बैंड का वाइफ। ठीक है, अब बैचलर का मेड, ये जो बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, ये नहीं कि बैचलर पढ़ने वाला, बैचलर जो होता है ये मैस्कुलिन होता है, और मेड में ये फेमिनाइन हो गया। चलो, इसका तो सारे लोग जानते हैं, काउ। अब पिकॉक, यानी कि ये भी एक प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, यानी कि आपको सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें जितने भी मैं करूँगा, और एक अच्छी आपकी पकड़ भी हो जाएगी। तो पी का तो पी हो जाएगा, और कॉक का क्या होता है, हेन होता है। तो एक यहाँ और क्वेश्चन बन गया कि कॉक का फेमिनाइन क्या होता है, हेन होता है। ठीक है, अब बोर का सोय, मतलब ये सुअर का आपको याद करना है, अब इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, बस याद कैसे होगा सर? तो देखो, याद ऐसे ही होगा कि बार बार आप इसको लिख ले एक जगह, जैसे ही मैंने जैसे लिखा है बस उसी लाइन में इसको आप लिख ले, और लिखने के बाद बार बार मतलब एक दो बार देखने के बाद, या फिर एक दो बार वीडियो देख लो तो याद हो जाएगा। चलिए, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है। ठीक है, और ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन। तो अब ये नहीं बोलना कि ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, दुल्हन जी को मैंने इसका बोला है, मतलब आप उच्चारण जान लेते हो, तो ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन। ठीक है, अब देखिए, ये नेक्स्ट जो तीन है ये भी करतार के प्रैक्टिस सेट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बक मतलब क्या होता है, खरगोश हिरन दोनों मतलब इनका होता है, हर्ट मतलब क्या होता है, इनका भी हिरन ही होता है। तो सर याद कैसे करें, डोई और रोज दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, और इसी में कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे देखो, आप बी के साथ डी है, एच के साथ आर है, डोई और रोई, तो बट हर्ट मतलब बी से, तो जो पहले है ना बी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, डी आर में भी डी स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं, डोई रोई में डी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और बक हर्ट में क्या, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है, हर्ट बक के बाद आता है, तो डोई के बाद भी रोई आता है। ठीक है, ऐसे करके स्टार्ट कर लेंगे। अब चलो, इसका मतलब है, मतलब क्या होता है आपका, मतलब भेड़ टाइप का, भेड़ होता है। ठीक है, तो इसका ई डब्ल्यू ई, अब इसका कैसे आई का उच्चारण बन रहा है ना, तो इनको राम जी के नाम से याद करो, राम जी हमारे आंखों में बसे होते हैं, यानी कि आई का उच्चारण बन भी रहा है, ये देखने से लग रहा है, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, देखो कोल्ड का फिल्ली होता है, ये तो आपको याद करनी होगी, और आई थिंक याद भी होगा, क्योंकि ये तो बस ये घोड़े के बछड़ा को बोला जाता है। ठीक है, हाँ फिल्ली, हाँ ड्रेक का डक, डक मतलब क्या होता है ये। ठीक है, ड्रक बतख, तो ये भी आप याद कर लें। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने इसमें नहीं लिया, वो मैं बता देता हूँ, ड्रोन का क्या होता है, मधुमक्खी, इसका क्या होता है, बी, बी डबल ई, ड्रोन का क्या होता है, अब बी। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण है मेरे देखने से, तो इसमें मैंने नहीं लिया, तो इसको आप याद कर लेना। देखो, मंक, मंक मतलब क्या होता है, मंक का मतलब सामंत, नंद मतलब, इनके मतलब भी वही, जो भी हो जाएंगे उनकी फेमिनाइन वो। ठीक है, विडर मतलब आप सभी जानते हैं, उसका वीडियो क्या होता है, विधुर और अविधवा। लेड लेस, यानी कि लेड मतलब क्या हो जाएगा आपका, लड़का, और लेस मतलब क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। चलिए, अब इसके बाद बहुत मज़े आने वाले हैं। चलिए, अब देखिए, विचार्ड और विच, ये भी आप देखिए, दोनों सेम से मिल रहे हैं, यानी कि विचार्ड का क्या होता है, विच होता है। तो देखो, एक बार आप देखने से बस याद हो जाएगा आपको, ऑप्शन अब ये ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, ऑप्शन तो अजीबो गरीब मिलेंगे, बस उसमें विच आप देखो और मार दो। देखो स्टेज, अब जो भी देखो स्टेज देखने को मिल रहा है ना, स्टेज यानी कि क्या, हिंद का स्टेज, तो यहाँ से आपकी साफ साफ बन रही है, इसके मतलब हिरन होता है, तो यहाँ से आपकी स्टेज, स्टेज बोलो आप, तो उसका क्या हो जाएगा, हिंद। ठीक है, और याद हो जाएगा हिंद हमारी देश। देखो, लॉर्ड मतलब क्या होता है, स्वामी, तो लेडी मतलब क्या होती है, स्वामिनी।
हो जाएगी। जेंडर ये तो आपको देखने से पता चल रहा है गुज, और इसका फुरल भी मिलता है इसको बनाने को, तो डबल ई की जगह डबल ओ की जगह डबल ई हो जाती है, ये तो आपको देखने से पता चल जाएगा। अब बताओ, 1 मिनट, सॉरी। अब देखो उसके आगे जो भी है थोड़ी सी अच्छी है। देखो अब कभी पोएट मतलब क्या होता है, कभी जैसे भी ऐसे आता है ना, कभी का क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा ना, एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, तो ऐसा करके आता है ना, मतलब डायरेक्ट हो जाता है। उत्तराधिकार, तो उनका फेमिनाइन क्या होगा, उत्तराधिकार, नहीं यानी कि जैसे डायरेक्ट आ जाता है, जैसे सॉरी टू से बट ठीक है, जैसे पंडित, तो पंडित को आई थिंक हम लोग ऐसा बोल देंगे पंडिताइन, यानी कि ऐसे करके आता है ना जो डायरेक्ट आ जाता है, मतलब उनकी फेमिनाइन डायरेक्ट निकल जाती है, तो उनके लिए देखिए क्या होता है, पोएट का ई डबल एस लगा देना उनमें, ठीक है। हेयर का उत्तराधिकार के उत्तराधिकारी हेयरस, ठीक है। ऑथर का ऑथरेस, ई डबल ई एस लगा देना। हॉट का हॉटेस्ट, मेजबान मतलब होस्ट और मेजबानी, ठीक है। पुजारी पुजारिन, ठीक है, ऐसे करके पुजारी का क्या हो जाएगा, पुजारिन, ई डबल एस लगा देना। प्रोफेट मतलब पैगंबर, पैगंबर का क्या हो जाएगा, पैगंबरी। सेफेड मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी ई डबल ई एस लगा दे। एस्टेवार्ट में भी ई डबल ई एस लगा दे, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होता है सेफेड, मतलब आई थिंक गडेरी ऐसे करके कुछ होता है। चलिए एक्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है। मास्टर, मास्टर का मिस्ट्रेस, मैंने बताया ना, देखिए एक्टर ये पूछी हुई शब्द है, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी एक्ट्रेस ऐसे करके, तो ये बताओ ये ओ है ना, ओ को हटा दिया जाता है यदि फेमिनाइन बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना इसमें ओ नहीं है, और ऑप्शन में ये भी मिलेगी तो ये नहीं मानना है, ओ यहाँ से हट जाता है। मास्टर, मिस्ट्रेस, इम्पर, एम्प्रेस, यहाँ से भी ओ हटा दिया गया, यानी कि ई डब्ल्यू एस ये सब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोसिप्टर, ई डब्ल्यू एस, जैसे आपको मतलब सारी चीज़ के, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सब में क्या लगा ये। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसमें RIX लग जाता है। अब बताओ इसमें EWS काम करेगा क्या, हमने कहीं नाम ही नहीं सुना। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रेस, कहीं नाम ही नहीं सुना। एग्जीक्यूट्रेक्स होगा, मतलब यहाँ पे TOR, यहाँ पे क्या हो जाएगा RIX, यहाँ पे टेस्ट्रेक्स RIX, तो आपको ऑप्शन में भी यही मिलेंगे, ये नहीं कि फिर अब एग्जीक्यूट्रेस भी मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा इतना आपको। अब ये ऐसे नहीं किया जाता है, डाउटफुल में वो लोग नहीं करेंगे, बस ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे और उसके अलावा कुछ और मिलेंगे, ये नहीं कि आपको ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप आसानी से पकड़ सकते हैं उसको। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।